नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज 29 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, 31 मई से 5 घंटे खुलेगी दुकानें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच 31 मई से सभी दुकानें सप्ताह में 5 दिन रोज 5 घंटे के लिए खुलेगी। दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। सरकारी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 30% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेगी। अभी शैक्षणिक संस्थान 5 जून तक बंद रहेगी। वहीं अभी सरकारी परिवहन सेवाएं भी बंद रहेगी। मुख्य सचिव अनिल खांची ने कहा कि बसें चलाने पर निर्णय 5 जून को होना है। इसी तरह से शैक्षणिक संस्थान खोलने समेत कई अन्य मामलों पर उसी दिन फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 5 जून को पीट ऑफ शिमला में सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में फैसला हो सकता है। गौरतलब है कि हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 17 मई की सुबह तक लगाया गया था। इसके बाद 15 मई को फिर कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इसमें 17 मई से 26 मई तक सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया था। 26 से 31 मई तक इसे बढ़ाया गया। प्रदेश में अभी 3 घंटे के लिए दुकानें खुल रही है। बड़ी खबर, आईजीएमसी से। आईजीएमसी में इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के 2 मरीजों ने तोड़ा दम। आईजीएमसी में इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के 2 मरीजों ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। दोनों मरीज पूर्व से, एक हमीरपुर और एक सोलन के कसोली क्षेत्र का रहने वाला था। दोनों को डायबिटीज कीटोएसिडोसिस था। ब्लैक फंगस ब्रेन तक पहुँच गया था। हमीरपुर वाला मरीज भी थे कल आया था। सोलन वाले मरीज को 22 मई को आईजीएमसी लाया गया था। आईजीएमसी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है। खबर गुड़िया मामले से जुड़ी हुई, फिर टली। गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई कोरोना कर्फ्यू के चलते अब दोबारा 3 जून तक टल गई है। शिमला जिले के कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चलान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल और फनीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जिस पर दोषी को मंगलवार को सजा तय होनी थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल है। कोरोना कर्फ्यू, हिमाचल में 31 मई से शराब के ठेके भी खुलेंगे। आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी दुकानों को 31 मई 2021 में सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यालय 30% उपस्थिति के साथ कार्यशील रहेंगे। केवल 4 कर्मचारी वाले अकेले कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। ये भी निर्णय लिया गया कि दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी 5 घंटों के लिए खुली रहेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। इस प्रकार सार्वजनिक वाहन भी आगामी आदेशों तक निलंबित रहेगा। 31 मई को सुबह 6 बजे से 7 जून 2021 को सुबह 6 बजे तक प्रभावी होने वाले इन अतिरिक्त निर्देशों के अलावा सभी प्रतिबंध और छूट पूर्व में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने निर्देश जारी कर दिए। उधर प्रदेश में 31 मई से सभी दुकानें 5 घंटे खोलने के सरकार के फैसले के साथ ही पिछले करीब 1 महीने से बंद शराब ठेकों के भी खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सभी शराब ठेके भी इसी दिन से खुल जाएगी। किसान मंडियों में 10 जून तक बेच सकेंगे गेहूं, विभाग ने बढ़ाई तिथि। हिमाचल के किसान अब मंडियों में 10 जून तक गेहूं बेच सकेंगे। सरकार ने किसानों से 31 मई तक गेहूं खरीदने का फैसला लिया था। कोरोना के चलते किसान मंडियों तक अपना गेहूं नहीं ला सके, ऐसे में सरकार ने तिथि बढ़ाई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। प्रदेश में 8 मंडियों में गेहूं की खरीदारी हो रही है। खबर पोंटा से। पोंटा में 15 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में पंजाब पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर 15 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां जब्त की है। नशीली दवाइयां बनाने के आरोप में यूनिक फॉर्मुलेशन फैक्ट्री के मालिक मोनिश मोहन निवासी देवनगर पोंटा को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर पुलिस टीम नशीली दवाइयों की खेप को छानबीन के लिए ट्रक भरकर ले गई। ये कार्यवाही वीरवार शाम से शुक्रवार सुबह तक जारी रही। पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा ने शुक्रवार को नाहन में पत्रकार वार्ता में बताया कि बीते 18 मई को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के मतेवाल में 50,000 नशीले कैप्सूल ट्रामाडोल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया।
मामले की जांच के दौरान पंजाब पुलिस ने पाया कि दर्द के लिए बनी दवा जिसमें पदार्थ ट्रामाडोल पाया जाता है और उसका इस्तेमाल नशे के तौर पर भी किया जाता है। इस दवा का निर्माण पोंटा साहिब की दवा कंपनी यूनिक फॉर्मुलेशन में किया गया है। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बीते दिन वीरवार को पोंटा साहिब के देवी नगर में दवा कंपनी में छापा मारने के लिए जिला सिरमौर पुलिस से सहायता मांगी। जिला सिरमौर के सहायक दवा नियंत्रक सन्नी को सलौर निरीक्षक भी भूमिका में शामिल रहे। स्वास्थ्य मंत्री बोले हिमाचल में सोशल मीडिया ऐप से 16,000 संक्रमित कर रहे योग। हिमाचल प्रदेश में होम आइसोलेट कोविड रोगियों को आयुष घर द्वार योजना में जूम ऐप व्हाट्सऐप से योग क्रियाएं करवाई जा रही है। प्रदेश में 16,303 कोविड रोगी योग क्रियाएं कर रही है। कुल 985 वर्चुअल समूह बनाए। सबसे अधिक सोलन में 79 वर्चुअल समूह के माध्यम से 2,970 रोगी योग का लाभ ले रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योग और आयुर्वेद के माध्यम कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर को बढ़ाने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने, मृत्यु दर को कम करने, कोविड के गंभीर दुष्प्रभाव को कम करना और रोगियों का बेहतर पुनर्वास सुनिश्चित बनाना है। आयुष घर कार्यक्रम बहुत कम समय में रोगियों का संबल प्रदाता बनकर उभरे। इसके माध्यम से कोविड संक्रमण दर को कम करने में सहायता भी प्राप्त हो रही है। अब 1 से 3 तारीख के बीच उठाना होगा गोदामों से सस्ता राशन। डिपो होल्डर को 1 से 3 तारीख के बीच गोदामों से सस्ता राशन उठाना होगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को यह आदेश जारी किए। फूड इंस्पेक्टर इस बाबत डिपो होल्डर को सूचित करेंगे। इसके अलावा 25 तारीख तक कंपनियों को गोदाम में सस्ता राशन पहुंचाना होगा। सरकार ने ये व्यवस्था इसलिए की ताकि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता राशन मिल सके। अक्सर उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि डिपो में समय पर राशन नहीं मिलता है। इसकी जांच के बाद विभाग को पता चला कि कई डिपो होल्डर गोदामों से समय पर राशन नहीं उठाते हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड परिवार है। इनमें 12.5 लाख APL और BPL परिवार है। सरकार की ओर से लोगों को 3 दालें, 2 लीटर तेल, चीनी, नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। जून में प्रदेश में 90% पर्यटक कारोबारी हो जाएंगे बैंक डिफॉल्टर। कोरोना की दूसरी लहर के चलते जून में प्रदेश के 90% पर्यटन कारोबारी बैंक डिफॉल्टर हो जाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन का मानना है कि बीते 3 महीनों से पर्यटन कारोबारी बैंक के ऋण की किस्त और ब्याज नहीं चुका पाए। इसके चलते जून में बैंक पर्यटन कारोबारी को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को भविष्य में कारोबार खड़ा करने के लिए बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि पर्यटन उद्योग को आर्थिक मदद न मिलने से जून में 90% से अधिक बैंकों की ओर से दिए गए ऋणों का NPA होना तय है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का सिविल स्कोर खराब होने से भविष्य में उन्हें बैंकों से वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। बीते 2 साल से पर्यटन उद्योग कोरोना की मार झेल रहा है। अब पर्यटन कारोबारियों के पास पैसा नहीं है। सरकार की वर्किंग कैपिटल लोन इंटरस्टेट सबवेंशन स्कीम का भी पर्यटन कारोबारियों को कोई उचित लाभ नहीं मिला है। एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने सरकार से मांग की है कि कोरोना के कारण हिमाचल के पर्यटन कारोबार को हुए नुकसान से केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को अवगत करवाकर पर्यटन इकाइयों की ओर से ऋणों को NPA घोषित न करने का आग्रह किया जाए। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी के तहत ऋण योजना लाकर पर्यटन कारोबारियों को राहत दी जाए। वेदर अपडेट। 5 जिलों में 35 डिग्री पार पहुंचा पारा। पहाड़ों की रानी में भी छूटने लगे पसीने। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। पहाड़ों की रानी शिमला में भी शुक्रवार को गर्मी से लोगों के पसीने छूट गए। प्रदेश के निचले इलाकों में भी गर्मी से लोग बेहाल हो गए। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार से फिर मौसम खराब होने के आसार जताए हैं। इसमें लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 31 मई और 1 जून को हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर 9 जिलों में गर्ज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 30 मई से 3 जून तक मध्य और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख 5 शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। सरकार ने APL उपभोक्ताओं को दिया झटका। जून माह में 3 किलो कम मिलेगा आटा। कोरोना संकट काल के बीच सरकार ने APL व APL टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को झटका दिया है। जून माह में सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को 3 किलो आटा कम मिलेगा। अगले माह उपभोक्ताओं को 14 किलो की जगह 11 किलो आटा मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने जून माह में डिपो में दिए जाने वाले राशन का कोटा जारी कर दिया है। जारी किए गए कोटे में जहां सरकार ने आटे के कोटे में कटौती की, वहीं 0.5 किलो चावल का कोटा बढ़ाया है। ऐसे में डिपो में उपभोक्ताओं को 5.5 किलो की जगह 6 किलो चावल डिपो में मिलेंगे।
सरकार की राशन में की गई कटौती से कोरोना संकट काल में सरकारी राशन के डिपो पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ताओं पर खास असर पड़ेगा। मई माह में आटे का कोटा बढ़ने से उपभोक्ता काफी खुश थे, लेकिन अब जून में फिर से लोगों को सरकार ने झटका दे दिया है। हालांकि NFSA के तहत आने वाले राशन उपभोक्ताओं के राशन कोटे में फिलहाल कटौती नहीं की गई है, उन्हें पहले की तरह ही राशन मिलेगा। बड़ी खबर, कोरोना कर्फ्यू से हिमाचल में अब 7 जून तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। राज्य में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 31 मई प्रातः 6 बजे से 7 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से पहले से लगाई गई बंदिशों एवं छूट निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। हिमाचल में 62 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1523 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 62 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 25, मंडी 8, सोलन 8, ऊना 6, शिमला 4, हमीरपुर 3, कुल्लू 2, बिलासपुर 3, सिरमौर, किन्नौर और चंबा में एक एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 1523 नए मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 425, मंडी 153, सोलन 157, शिमला 157, चंबा 128, कुल्लू 88, ऊना 71, हमीरपुर 90, सिरमौर 107, किन्नौर 44, लाहौल स्पीति से 15 नए मामले आए हैं। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 12.92% रही। बीते दो दिन संक्रमण दर 15% थी, वही रिकवरी दर 99% और मृत्यु दर 1.53% है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,87,342 पहुँच गया है। इनमें से अब तक 1,65,786 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 18,495 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,040 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 3,148 संक्रमित ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,375 लोगों के सैंपल लिए गए। बड़ी खबर, केंद्र ने बढ़ाया हिमाचल के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का कोटा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का कोटा बढ़ा दिया है। ये कोटा 18 से 44 साल और 45 साल से ऊपर के दोनों वर्गों के लिए बढ़ाया गया है। हिमाचल सरकार ने केंद्र से पहले 1,19,760 डोज मांगी थी। केंद्र सरकार ने इसमें 47,420 डोज बढ़ाकर हिमाचल को 1,67,180 डोज देने का फैसला लिया है। ये जून महीने के लिए जारी की गई है। इसी तरह केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए डोज भी बढ़ा दी है। इसमें 252,770 के अलावा 44,630 डोज बढ़ाई है। 2,99,400 डोज बढ़ा दी गई है। ये वैक्सीन एक सप्ताह के भीतर आ सकती है। 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लिए ये डोज हिमाचल को केंद्र से निःशुल्क मिलेगी। ये वैक्सीन जून के पहले पखवाड़े के लिए जारी की गई है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की कुल जनसंख्या के 27.4% लोगों को वैक्सीन लगा दी है। 18 साल से ऊपर की पात्र जनसंख्या के 34% और 45 साल से ज्यादा उम्र के 99.4% लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।